मुझे ढूंढ रही थी तुम दोनों? इतने शॉक क्यों नजर आ रहे हो और नर्वस भी लग रहे हो? कृतिका, वो पृथ्वी तुम्हें ढूंढ रहा था, काफी देर से तुम दोनों घर में नजर नहीं आए, कहीं बाहर गए थे? प्रीता भाभी, वो आपको बताना भूल गई, मामी जी आपको बुला रही थी, कुछ काम था, तो आप भी चलिए। हाँ हाँ ठीक है, जरूरी काम होगा तभी बुला रही हूँ, मैं देखती हूँ। कृतिका, पृथ्वी से जरूर मिल लेना, वो तुम्हें ढूंढ रहा था। थैंक गॉड मैं टाइम से घर पहुंच गई, नहीं तो आज पकड़ी जाती। कृतिका, मैंने मिरर में देख लिया था कि तुमने मुझे होटल में देख लिया, लेकिन वो बात मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज हुई। थैंक गॉड हम लोग टाइम से घर पहुंच गए, नहीं तो आज पकड़े जाते। लेकिन अब हम दोनों सेफ हैं। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के कई बार मुझे बचा कर ढेर सारी खुशियां देता है, और कई बार मुझे फंसा कर ढेर सारा कम। अरे अक्षय का खून जिसने भी किया सामने ले आओ ना, सामने आएगा तभी इंस्पेक्टर विजय उसको पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डालेगा। वो इंस्पेक्टर विजय मुझ पे शक करता है, मेरी आंखों में आंखें डाल के डराता है मुझे, ऐसा लगता है कि हथकड़ी पहनाएगा मुझे और जेल की सलाखों के पीछे डाल देगा। गॉड, कौन से झमेले में फंस गया मैं, नहीं किया मैंने अक्षय का खून। पृथ्वी जी, हम रियली सॉरी, आप ये सोच रहे होंगे ना कि होली का दिन है और मैं आपके साथ क्यों नहीं थी। इनफैक्ट मैं आपके पास आ रही थी पृथ्वी जी, बट वो पर मैं खुद यहाँ नहीं था, मैं तो होटल में था, मैं कहीं और था। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। अरे ये भी हो सकता है ना कि जब तुम मुझे मिलने आई मैं कहीं और था, जब मैं तुम्हें मिलने आया था तुम कहीं और थी, हमारी टाइमिंग मैच नहीं हो रही होगी। आज होली का दिन है ना, कोई ना कोई टकरा जाता है, कोई यहाँ कोई वहां, इसमें स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट चिल। पृथ्वी जी, सूट किसका है, वो भी आपके रूम में? ये आपके रूम में क्या कर रहा है? ये सूट मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कृति, क्या? ये सूट मैंने तुम्हारे लिए लिया था। हाँ? तुम्हारे लिए खरीदा था, तुमने मुझे वो एक्सपेंसिव शूज गिफ्ट किए थे ना, जो मैंने मार्केट में देखे थे, लिए नहीं थे, उसके बावजूद तुमने वो खरीदे मेरे लिए। मैंने सोचा एक रिटर्न गिफ्ट तो बनता है ना, तो ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। तुम वैसे भी सूट पहनती रहती हो ना, इसीलिए, पर मैंने तुम्हें दिया नहीं, इसको फेंक दिया मैंने, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, खुद पे गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्या है, मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं हूँ ना, तुम्हारी पसंद ना पसंद, हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया अब तक, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ अपनी जान के साथ, उसके बाद जान से प्यारा गिफ्ट दूंगा अपनी जान को, उसकी चॉइस का, उसके फेवरेट कलर का। मुझे लगा ये शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने फेंक दिया इसे। अरे क्यों फेंक दिया आपने? मेरा हस्बैंड मेरे लिए इतने प्यार से कोई गिफ्ट लेके आया है, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी उसे, हाउ इज दैट पॉसिबल? और मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, सच में। रियली, आई एम सो ग्लैड टू नो दैट। क्या हुआ कृति, इमोशनल क्यों हो रही है? अरे ऐसे हजार सूट हजार गिफ्ट ले आऊंगा मैं तुम्हारे लिए, ये तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू पृथ्वी जी, आपको पता है आपसे पहले मेरे लिए किसी ने इतना स्वीट जेस्चर नहीं किया। कोई बात नहीं, जो कभी किसी ने नहीं किया वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए, आई प्रॉमिस। मुझे इस दुनिया का सबसे स्वीट हस्बैंड मिला है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
होटल में वो सीसीटीवी फुटेज किसने डिलीट की होगी? किसी ने तो की है, पर किसने? मैंने। क्या? अब कुछ नहीं। नहीं, तुम अभी कुछ कह रहे थे ना? नहीं, कुछ नहीं कह रहा था मैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें और कृतिका को कैसलिन के बाहर देखा। हो सकता है मेरा वहम, मुझे ऐसा डाउट हुआ था एक्चुअली। ऑब्वियसली तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो, राइट? हाँ, आई मीन एक्चुअली, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ वो, अरे छोड़ो ना यार, आज होली है ना, और मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, होटल कैसे लेने ना, होली है, होली पे अच्छी बातें करते हैं, राइट? राइट, अच्छा। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है, उसके लिए जा रही थी। एक मिनट, कैसा काम? कुछ है, इतने काम है, तुम्हें तो कहा होली है तो। अच्छा जी, अरे मुझसे भी ज़रूरी काम है। नहीं, तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मैं समझ गया, मैं होली पे तुम्हें अकेला छोड़ के गया, नहीं जाना चाहिए था। कितना मिस किया होगा ना तुमने मुझे। ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा जी, कैसी बात है फिर? वैसे एक बात है, तुमने मुझे होली नहीं मिस किया। होली नहीं मिस किया? रंग तो लगाया था कितना। रंग वाली होली? हटो, कोई किसी भी सी नहीं। अब मैंने कहा ना, मुझे इम्पोर्टेंट काम है। ओके, किसी नहीं तो एटलीस्ट एक हगी। अच्छा, किसी नहीं तो हगी। ये क्या मजाक है, ये भी कोई बार्गेन होता है? मिस्टर करण दूसरा, तुम बिगड़ते जा रहे हो, अभी हटो मेरे सामने। मैं जाने नहीं दूंगा, आई नीड अ हग। प्लीज यार, आज होली है, कम ऑन, मैंने कुछ ये भी नहीं कही, प्लीज। अरे यार, गिरीश, गिरीश। करीना दी, क्या बात है, कुछ काम था आपको, मुझे बताइए। भाभी, सोचा होली की सेलिब्रेशन तो खत्म हो गई है, मैंने सोचा गिरीश को बुलवा के यहाँ ये सारे रंग साफ करवा दूँ। बस यही कहीं होगा वो। कृतिका, तुम? प्रीता कहाँ है? भाभी, आई थिंक भाभी अपने रूम में होगी, बुला के लाऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल काफी वक्त हो गया, मैंने तुम्हें, प्रीता को, शर्लिन को, पृथ्वी को कहीं देखा नहीं, तो सोच रही थी सब बच्चे अचानक कहाँ से गायब हो गए। हाँ कृतिका, कहाँ थी तुम, बहुत देर से नजर नहीं आई। वो भाभी के साथ होली खेल रही थी बैकयार्ड में। तो तुम झूठ बोल रहे हो कृतिका, तुम घर पर नहीं, तुम होटल में थी, मैंने देखा था वहां तुम्हें। Can I have some coffee? अगर झूठी नहीं हो, fresh हो तो आप, I would like to have a coffee. Can I? Yeah, sure.
क्या बात है? घर पे काफी कम लोग दिख रहे हैं, सब है ना? आई मीन कहीं ऐसा तो नहीं आउट ऑफ टाउन या किसी फ्रेंड के घर या फिर कहीं और गए हो? एसीपी साहब, सब लोग घर पे ही हैं। दैट्स गुड। तो मेरे पास आप सबके लिए दो इन्फॉर्मेशन है। पहली कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और लेट होने का रीजन बहुत कॉमन सा है, जीप का टायर पंचर हो गया था। नॉर्मली तो मुजरिम धोखा देते हैं, लेकिन आज कमबख्त टायर ने धोखा दे दिया, तो ऑलमोस्ट एक घंटा लेट हूँ। और दूसरी इन्फॉर्मेशन इसी से रिलेटेड है। मेरे देर से आने की वजह किसी के लिए खुली हवा में सांस लेने की वजह बन गई। मेरे एक घंटे ने किसी को एक घंटा और होली खेलने का मौका दे दिया। पर अब वक्त खत्म। एसीपी, आपकी यहां आने की वजह? कानून बेवजह कहीं नहीं जाता, जहां भी जाता है जुर्म को फॉलो करते हुए जाता है। तो ऑब्वियसली मैं यहां आया हूं उस खूनी के लिए जिसने अक्षय का खून किया है। वैसे करण लूथरा कहां है? आप लोग घबराइए मत, मैं ये नहीं कह रहा कि करण लूथरा ने खून किया, नॉट एट ऑल। लेकिन मुझे करण लूथरा यहां चाहिए, पर प्लीज उन्हें यहां बुलाइए, क्योंकि मुझे आप सबको एक शॉकिंग न्यूज देनी है। वैसे तो सबके लिए शॉकिंग है, लेकिन करण और उनकी वाइफ के लिए कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। बुलाइए उन्हें। हैं या फिर आउट ऑफ टाउन चले गए? एसीपी साहब, हम ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे। करण और प्रीता दोनों घर पे ही हैं। मायरा, करण और प्रीता अपने कमरे में हैं। उन्हें कहो जल्दी से नीचे आ जाए। ये किस तरह का एटीट्यूड है आपका? आपको मेरा एटीट्यूड अच्छा लगे, इसके लिए सरकार ने मुझे नहीं रखा है। वैसे रिकॉर्ड के हिसाब से मैं काफ़ी अच्छा काम करता हूँ, और एंड ऑफ द डे काम बोलता है, चाहे वो पुलिस का हो या फिर चोर का, काम दिखता है। खून भी हुआ है, खूनी भी यहाँ है। कांस्टेबल, हथकड़ी निकालो, खूनी को अरेस्ट करना है। नहीं, मैं आ रही थी, हाथ लग गया कैसे। I'm so sorry. ए, झूठ क्यों बोल रही हो? कोई गलती से नहीं गिरा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जानबूझ के फेंका उसने। प्रीतम, क्योंकि करण, एसीपी विजय बिंद्रा यहाँ आ रहे हैं, मैंने उनकी खुद जीप देखी, और करीना आंटी का मुझे फोन आया था तुम्हें बुलाने के लिए, बोला है प्रीता को भी बुलाया, बस इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये एसीपी बिंद्रा भी ना, फिर से दिमाग खाने आ गया। मैं जाके देखता हूँ। क्या बताना चाहती थी क्या बताना चाहती थी तुम? क्यों किया मैंने ये? क्योंकि मैं तुम दोनों को पास नहीं देख पाई, नहीं देख पाई, एक सेकंड के लिए भी नहीं देख सकती तुम दोनों को पास, इसलिए तुम दोनों को दूर कर दिया। आ गई मैं बीच में। तुम्हें लगता है कि तुम आ गई बीच में, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। करण और मेरे बीच तुम क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती।
समझ गई? नहीं, तुम समझ जाओ तो अच्छा होगा। बेवकूफ बना रही हो अपने आप को। बेवकूफ तुम हो और बेवकूफी वाली बातें भी तुम ही कर रही हो। याद है तुमने मुझे 3 दिन का चैलेंज दिया था? क्या हो? 3 दिन पूरे हो गए और मैं और करण आज भी एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सिली गर्ल, यू आर वेरी सिली प्रीता। 3 दिन पूरे नहीं हुए, 3रा दिन चल रहा है, आधा दिन हुआ है, आधा दिन बाकी है और पूरी रात बाकी है। तुम रात की बात कर रही हो? तुम एक नया जन्म भी ले लो ना, फिर भी मुझे मेरे सुहाग से, मेरे सिंदूर से अलग नहीं कर सकती। करण और मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है, पति पत्नी का है, और इसके बीच में तुम वो बनकर कभी नहीं आओगी। तुम जाकर गाड़ी से रजिस्टर लिखा। ओ गॉड, इस मुच्छड़ एसीपी को मुझ पे शक हो गया है। आज तो ये मुझे पक्का अरेस्ट करके ले जाएगा। भाग ले पृथ्वी, यहां से भाग ले। एक बार तू यहां से भाग गया ना, फिर ये एसीपी तो क्या, इसका बाप भी तुझे पकड़ नहीं पाएगा। शहर से कहीं दूर, कहीं बाहर चला जा, अंडरग्राउंड हो जा। बात की बाद में देख लेंगे। आपने कहा था ना कि अक्षय के मर्डर में करण का कोई हाथ नहीं है, फिर करण को नीचे क्यों बुलवाया आपने? कहां भागने का प्लान है मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा? मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, वो सफोकेशन फील हो रहा था। आजकल गर्मी का मौसम है ना, सो आई वाज जस्ट विंडो की तरफ जा रहा था ताजा हवा लेने के लिए। अरे नहीं नहीं, बताइए ना, हम ले चलेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। मैंने कहा ना, मैं विंडो की तरफ जा रहा था, सफोकेशन हो रहा था। वो जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो कौन सी बीमारी बोलते हैं उसको? अस्थमा? हाँ, मुझे लग रहा है कि वैसे सिम्टम्स लग रहे हैं मुझे। क्या? अस्थमा? नहीं नहीं, मतलब हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि होने वाला है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है। क्या मैं जा सकता हूँ? चुपचाप खड़े रहो। क्या हुआ एसीपी? आप फिर यहाँ? मिस्टर करण, आप, आपकी पत्नी और ये सब, बस इतने ही लोग हैं घर में? एसीपी साहब, घर पे और भी लोग हैं। मेरे पति महेश जी हैं, मम्मी जी हैं, करण के चाचा चाची समीर, सभी लोग हैं। दरअसल बात यह है कि आज बहुत टाइम बाद महेश जी कुमा से बाहर आए हैं और वो अपने कमरे में है और बाकी के लोग महेश जी के साथ उन्हीं के कमरे में हैं। आज बहुत टाइम बाद मेरे घर में ढेर सारी खुशियाँ आई हैं और मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से ये खुशियाँ टेंशन में बदल जाए। अगर आप मेहमान बन के आते तो हमारी खुशियों में शामिल होते, लेकिन आपने तो साफ साफ कह दिया ना कि आप यहाँ अक्षय के कातिल को ढूंढने आए। हाँ, मैं उसी खूनी को पकड़ने आया। तो मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा, क्या आप सबको बताएंगे कि कल शाम को आप कहां थे और क्या कर रहे थे? यह इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, तहकीकात की सबसे अहम बात। इसीलिए यह सवाल मैं आप सबसे पूछूंगा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप सब ये सोचे कि एक पुलिस वाला आया और आपके एक फैमिली मेंबर को अरेस्ट करके ले गया। आज होली है और त्योहार के दिन हम पुलिस वाले थोड़ा ज्यादा काम करते हैं और कातिल को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा। तो आप बस ये सोच लीजिए कि मैं यहां पर अपनी ड्यूटी करने आया हूं, क्योंकि मुझे मेरी ड्यूटी से बड़ा कोई त्योहार नहीं लगता। अक्षय के कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और क्या है ना,
कि मैं अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से करता हूं। तो लूथरास, मेरे सवालों के स्पीडी जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। राखी जी, आप कल शाम कहाँ थी? मैं तो घर पे ही थी। और आप दोनों? घर पे। मैं भी घर पे ही थी। कृतिका, कल शाम को 6 से 7 के बीच तुम कहाँ थी? कार में?